दिल्ली में। बीते 3 दिनों से आसमानी आफत जो है वो जमकर बरस रही है। मेरे पीछे तस्वीरें दिखा रहे हैं, यमुना में जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि साल 1982 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम जो है वो बदला है और इसका असर ये हुआ है कि दिल्ली में एक दिन में 153 मिलीमीटर बारिश 1982 के बाद हुई। लगातार ये बारिश जो है बढ़ती जा रही है। हम आपको ये भी समझा दें कि भारी बारिश जो हम कह रहे हैं उसे किसे कहते हैं। दरअसल 15 मिलीमीटर से कम बारिश तो हल्की होती है, 15 मिलीमीटर से और 64 के बीच में हो तो मध्यम, 64 से लेकर 115 के बीच में हो तो भारी, और 115 से लेकर 204 मिलीमीटर के बीच में बहुत भारी बारिश कही जाती है। तो फिलहाल जो दिल्ली में बारिश हुई है वो बहुत भारी बारिश हुई है और इसी का असर है कि यमुना नदी में एक बार फिर से आपको झाग जो है वो नजर आने लगे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, ऊपर ट्रैफिक नजर आ रहा है और नीचे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो वो जो झाग है वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासत खूब ज्यादा हुई थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में सियासत जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर है कि किस तरह से व्यवस्थाएं हुई हैं, किस तरह से यहां पर दिल्ली वासियों को हर साल की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरीके से आसमानी आफत ने लोगों का जीना दिल्ली के अंदर मुहाल कर रखा है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए यमुना के दूसरे छोर से हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, जिस छोर पर आप मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए और ये हमारे दर्शकों को विस्तार में समझाइए कि बीते 3 दिनों के अंदर दिल्ली ने किस तरह की आसमानी आफत का सामना किया है। देखिए शुभांकर, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बीते 24 घंटे आपके लिए बहुत ही दर्दनाक होंगे। अगर आप सड़कों पे हैं तो लंबे ट्रैफिक जाम को आपने किया होगा, और अगर आप घरों में हैं तो हो भी सकता है कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया हो कि पानी आपके घरों में घुस गया हो। इस समय हम यमुना के घाट पर नहीं, मैं बता दूं शुभांकर, यमुना के अंदर है, बोट पर है, और आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है वो इस समय इंस्पेक्शन कर रही हैं। ये आतिशी आपको नजर आएंगी लाइफ जैकेट पहनी हुई दूसरी बोट के अंदर। यमुना का स्तर किस तरीके से बढ़ गया है, किस तरीके से जो इवैक्यूएशन प्लान है, लगभग 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा। शुभांकर मैं आपको बता दूं, वो लोग जो घाट पर रहते हैं, वो लोग जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं, और इनको इसीलिए इवैक्यूएट किया जाएगा क्योंकि अगले बढ़ते 24 घंटे के अंदर लग रहा है कि स्तर जो है यमुना का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो जिन लोगों से बात करती नजर आ रही है शुभांकर आपको, वो सभी लोग अथॉरिटी से है, डीएम भी यहाँ पर मौजूद है, और किस तरीके से इवैक्यूएशन प्लान किया जा रहा है, बोट्स जो है वो किस तरीके से चलाई जा रही है, इन सब चीजों का जो ध्यान है। आपको बता दूं स्तर भी जो है काफी बढ़ चुका है, आपने झाग की बात करी थी शुभांकर, यहाँ पर झाग भी नजर आ रहा है और डेंजर मार्क जो है वो इस समय साफ नजर आ रहा है कि यमुना डेंजर मार्क तक पहुंच चुकी है। शुभांकर बिल्कुल। अब ऐश्वर्या, सवाल हमारे जहन में यह आता है कि एमसीडी जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, सरकार उनके पास है, आप लोग लगातार रिपोर्टिंग करते आए हैं, इस साल दोहरी व्यवस्था हाथ में होने से क्या आपको व्यवस्थाएं कुछ बेहतर नजर आई? हालांकि 1982 के बाद इतनी बारिश हमने पहली बार देखी है, लेकिन फिर भी क्या व्यवस्थाएं बेहतर थी बीते सालों के मुकाबले, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है दिल्ली में। देखिए बिल्कुल सियासत हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ उंगली जो है वो आम आदमी पार्टी पर उठाई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उठाई है, और उन्हें कहा है कि पहले आप कहते थे हमारे पास एमसीडी नहीं है, और जब अब आप एमसीडी में जीत चुके हैं तो दिल्ली की ये हालत क्यों है। यमुना का जिस तरीके से स्तर बढ़ रहा है ये बात भी है। आतिशी ने कल ये कहा था कि जितनी बारिश जो है वो 40 साल में नहीं हुई वो बीते 24 घंटे में हो गई, तो कहीं ना कहीं डर तो लोगों के दिल में है ही, और यमुना के आसपास जो लोग रहते हैं, देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है इस समय यहाँ पे, आसपास वाले जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो आपको अपना घर वगैरह यहां से छोड़ के इवैक्यूएट करना पड़ेगा। लगभग मैं आपको बता दूं 100 बोट के आसपास का जो काम है वो तैयार किया गया है, 100 बोट घाट पे तैयार हैं। अगर पानी बढ़ता है, अगर डैम से और पानी रिलीज किया जाता है तो फिर यहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, और जिस तरीके की जो एक अथॉरिटी को जो तैयार नहीं चाहिए थी, कहीं ना कहीं शुभांकर उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप नाम लीजिए मार्केट का, चाहे वो पॉश खान मार्केट हो, चाहे वो कैनॉट प्लेस हो, तो ये सभी जितने जो पॉश मार्केट है जब ये सब डूब गए थे, तो आप उन लोगों की हालत सोचिए जिन लोगों के घर वाकई में लो लाइंग एरिया में रहते हैं। शुभांकर बिल्कुल बिल्कुल, और ऐश्वर्या यही हमारा अगला सवाल है कि रविवार को ये सच है कि 40 साल 41 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उसके पहले भी हमने देखा कि जितने भी नदी नाले थे वो उफान में भरे हुए थे, सड़कें जो हैं वो दरिया बन गई थी, लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे थे कि अब आपको रिवर राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, डरावनी चीजें नजर आ रही है दिल्ली में, तो ये नदी नालों की स्थिति क्या बेहतर, फिर हम सवाल ये पूछ रहे हैं एमसीडी ने अपना काम ईमानदारी से किया है, लोग क्या सोच रहे हैं और कितना नुकसान इन बीते 3-4 दिनों में दिल्ली को अब तक उठाना पड़ा है।
देखिए करोड़ों के अंदर है नुकसान, क्योंकि शुभांकर अगर जिन लोगों की गाड़ियां डूबी हैं, जिन लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, जो नुकसान हुआ है लोगों को, मैं आपको बता दूं कैनॉट प्लेस जिसको दिल्ली का दिल कहा जाता है, उसके शोरूम्स के अंदर तक पानी घुस गया था। कई सारी लग्जरी गाड़ियां जो है, सबने तस्वीरें देखी किस तरीके से खान मार्केट में लग्जरी गाड़ियों को टो अवे किया जा रहा था। तो ये जो आर्थिक चोट लोगों को लगी है ये तो लगी है, और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। अगर हम देखें दिल्ली के अंदर एक आंकड़ा जो सामने आया था, एक महिला की सीलिंग गिरने से मौत हो गई थी। तो सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, लोगों की जान भी गई है। और यमुना का स्तर वाकई में, मैं शुभांकर एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी विजुअल्स, यमुना का स्तर वाकई में डेंजर मार्क को क्रॉस करने वाला है। अगर अगले 24 घंटे के अंदर बारिश इसी तरीके से होती रही तो ये जो मार्क है ये जरूर क्रॉस करेगा। और आसपास के जो इलाके हैं, जो लो लाइंग एरियाज हैं शुभांकर, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की सख्त आवश्यकता जरूर होगी। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक हो गई है, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली की यह हालत महज 24 घंटे की बारिश में कैसे हुई। शुभांकर, बिल्कुल।